मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हुई थी उसमें हमने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन का सिंगल मेथड टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डबल स्टेप मेथड और सीक्वेंसिंग मेथड। डबल स्टेप मेथड का मतलब ये है कि यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर हम दो स्टेप्स को फॉलो करेंगे और उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है। देखिए, जब हम इस मेथड को फॉलो करते हैं तो ये हमारे पास में एपिडर्मल टिश्यू है जिसको हमने लीफ पीलिंग्स से सेपरेट किया है। तो ये है हमारा एपिडर्मल टिश्यू। इस एपिडर्मल टिश्यू को हम सबसे पहले 0.5% जो कंसंट्रेशन है उसके साथ पैक्टिनेज में, फिर 0.3% वाले पोटेशियम डेक्सट्रोज और 13% मैनिटॉल सॉल्यूशन के साथ में मिक्स करके 15 मिनट तक इसे गर्म करते हैं, इसे हीट देते हैं। हीट देने से क्या होगा, इसका प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस हो जाता है। प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस में आपको पता ही है कि जो हमारा सेल वॉल वाला रीजन है वो सेल वॉल वाला रीजन रिलैक्स्ड हो जाता है और उसके कारण सारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई है वो सेंट्रल पोजीशन पर आ जाता है, बीच में आ जाता है। इस पोजीशन पर हम इस सेल वॉल को रिमूव कर सकते हैं। देन जब ये प्रोसेस हमने 15 मिनट्स तक हीट करने के बाद में इसे रखा तो उसके बाद में ये पोजीशन पर हम इसका सेंट्रिफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रिफ्यूगेशन का मतलब होता है कि हम एक रोटेशन मशीन है उस रोटेशन मशीन के अंदर हम 10 to 15 मिनट्स तक इसका रोटेशन करवाते हैं, 75 रोटेशन पर मिनट पर। मतलब 1 मिनट के अंदर उसे 75 टाइम्स रोटेट करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को हम 10 से 15 मिनट तक करवाते हैं, इसका सेंट्रिफ्यूगेशन करवाते हैं। जब इस एपिडर्मल टिश्यू का को हम सेंट्रिफ्यूगेशन मशीन पे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके कारण इसका सेल वॉल वाला जो रीज़न है, क्योंकि वो रिलैक्स्ड हो गया है इसलिए वो स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। देन ये जो पैलेट्स हमारे पास में आए हैं एपिडर्मल टिश्यू के, इसे हम ट्रीट करते हैं 2% सेल्यूलोस के साथ, 13% मैनिटॉल के साथ। यहाँ पर हम इसका पीएच कांस्टेंट रखते हैं 5.5 और हम इसे अप्रॉक्सी 1.5 घंटे तक, 1.30 मिनट्स, मतलब 1 आवर और 30 मिनट्स तक इसे 30 डिग्री सेल्सियस हीट पर गर्म करते हैं। तो जब ये प्रोसेस की जाती है तो उस प्रोसेस के होने के कारण इसके सेल वॉल जो है वो स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। इस स्मॉल सेगमेंट्स को हम अगेन सेंट्रिफ्यूगेशन मशीन में ट्रांसफ़र करते हैं जिसके कारण इसका सेल वॉल वाला जो रीज़न है वो डिबेरिस की फॉर्म में जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर आ जाता है, फ्लोटेड करता है। और जो इसका प्रोटोप्लास्ट है वो क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत हल्की होती है, बहुत लाइट है वो, इसलिए वो नीचे की तरफ रहता है। तो ये जब स्टेप्स हम फॉलो करते हैं तो ये स्टेप्स फॉलो होने के बाद हमारा प्रोटोप्लास्ट जो है वो कंप्लीट आइसोलेट हो जाता है। तो इस मेथड में हमने क्या किया, जो हमारा एपिडर्मल टिश्यू था उसको पहले हमने पैक्टिनोस, पोटेशियम डेक्सट्रॉट और मैनिटॉल के साथ में रिएक्शन करवा करके उसे 15 मिनट तक गर्म किया। देन हमने इसके प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस करवाया है और उसका सेंट्रिफ्यूगेशन किया। सेंट्रिफ्यूगेशन करने के बाद में जो भी हमारा आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट था उसको हमने 2% सेल्युलोज, 13% मैनिटॉल के साथ में रखा और उसमें उसका पीएच जो है वो 5.5 तक रख दिया। ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसको हमने अप्रॉक्सी 1 1.5 आवर्स तक 30 डिग्री सेल्सियस तक हमने गर्म किया, जिससे प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो सेल वॉल वाला पार्ट है वो डिवाइड हो गया स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। देन हमने इसका अगेन सेंट्रिफ्यूगेशन करके प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लिया। क्योंकि इस कंप्लीट मैकेनिज्म में सेंट्रिफ्यूगेशन भी हम 2 बार कर रहे हैं और जो सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं मिक्सचर के साथ वो भी 2 बार किया जा रहा है, इसीलिए इस एंजाइमेटिक मेथड को हम कहते हैं डबल स्टेप मेथड और सीक्वेंसिंग मेथड। तो ये थे हमारे एंजाइमेटिक मेथड से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने की टेक्निक। नेक्स्ट हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है आइसोलेशन कल्चर एंड फ्यूज़न ऑफ लीफ सेल प्रोटोप्लास्ट एंड रीजनरेशन ऑफ प्लांटलेट। मींस हमने प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया, देन उसे
कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र किया। कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र करने के साथ हमने फ्यूज़न करवाया उसी प्रोटोप्लास्ट का, और उसके बाद जो हमारे पास में प्रोटोप्लास्ट आया है उसका अगेन हमने रीजनरेशन करा करके एक कंप्लीट प्लांटलेट का डेवलपमेंट किया। देखिए ये स्टेप्स जो है, दो तीन चीज़ें जो आपने माइक्रो प्रोपोगेशन में पढ़ा है, देन आइसोलेशन का जो प्रोसेस है, उन दो तीन चीज़ों को मिक्स करके बनाया हुआ स्टेप्स हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लांट का सिलेक्शन करते हैं। जो जिस प्लांट का हमें सिलेक्शन करना है उस प्लांट को हमें कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर रखना होता है। देन हमने पहले प्लांट का सिलेक्शन किया, फिर उसके बाद में हमने वो एक पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट किया जिसके थ्रू हमें इस प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन करना है। तो हमने ये प्लांट लिया, देन हमने इसका लीफ पार्ट सेपरेट किया और उस लीफ को स्टरलाइज किया। स्टरलाइज करने के लिए हम 70% अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं। देन इसको हम टैप वाटर से या डिस्टिल वाटर के साथ में रिंस कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म आपने स्टार्टिंग में पढ़े हुए हैं इसलिए इस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। जब हमने इसका लीफ का स्टरलाइजेशन कर लिया है, उसको वायरस फ्री कर लिया है, तो हम इसका पीलिंग करते हैं। पीलिंग मतलब जो इसकी लोअर एपिडर्मिस है उसको हम फॉर्सेप की हेल्प से, चिमटी की सहायता से इसकी लोअर एपिडर्मिस को या निचली अधिचर्म को इसको हटाते हैं। जब इसकी लोअर एपिडर्मिस को हमने रिमूव किया तो ये हमारा एपिडर्मल टिश्यू आया। इस एपिडर्मल टिश्यू को हम 1-1 सेंटीमीटर के स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते। तो हमने इसका क्या किया, 1-1 सेंटीमीटर के स्मॉल फ्रेगमेंट्स में से डिवाइड किया। देन हम इसका प्लाज्मोलाइसिस कराने के लिए इसे हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, या इसको एंजाइमेटिक मेथड जो अभी हमने पढ़े, सिंगल मेथड और डबल मेथड, हम उस प्रोसेस से इसे निकालते हैं। प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस होने के बाद इसका जो सेल वॉल होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है और उसे हम रिमूव कर लेते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन अगेन वही डबल मेथड जो अभी हमने बात की, उसमें हम 75 रोटेशन पर मिनट पर इसे 10-15 मिनट्स तक रोटेट कराते हैं। रोटेशन जो होता है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो सेंट्रीफ्यूगेशन हम कर रहे हैं उसमें जो प्रोटोप्लास्ट को सेपरेट करते हैं उसमें दो मेथड वर्क करते हैं। या तो हम इसका डायरेक्ट सेंट्रीफ्यूगेशन करा दें, और डायरेक्ट सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमने रोटेशन करवाया, रोटेशन कराने से क्या होगा, जो भी हमारा प्रोटोप्लास्ट सेल का सेल वॉल है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और सारा जो प्रोटोप्लास्ट है वो नीचे की तरफ पैलेट्स की फॉर्म में बैठ जाएगा। तो हम जो ऊपर की तरफ डिबेरिस है हमारा, जो भी ये जो सेल वॉल है उसका वेस्टेज है, वो सारा ऊपर की तरफ फ्लोटेड रहेगा, तो हम उसे पिपेट की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है, दूसरा हमारा मेथड है फ्लोटेशन मेथड। ये जो मेथड है ये पूरी तरीके से डेंसिटी पर वर्क करता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटोप्लास्ट की डेंसिटी कम होती है और जो भी यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट है सेल का वो डेंसिटी ज़्यादा रखता है। तो इसके लिए हम इस जो हमारा सॉल्यूशन है जिसमें प्रोटोप्लास्ट है, तो हम उसको इम्प्योर कहेंगे, यहाँ पर प्योर नहीं है, इसको प्रोटोप्लास्ट को हम कुछ सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं, जैसे मैनिटॉल ऐड कर दिया है, सार्बिटॉल ऐड कर दिया, सुक्रोज, ये सॉल्यूशन हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसे क्या करते हैं, हिलाते हैं। हिलाने के बाद हम इसे थोड़ी सी देर रख देंगे जिससे ये सेट हो जाएगा। सेट होने पर प्रोटोप्लास्ट क्योंकि हल्का है तो वो ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा, तो हम उसे फिर अगेन उस पिपेट की हेल्प से उसे सेपरेट कर लेंगे। अब जब हमने इसको सेपरेट कर लिया है तो हमारे पास आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट आ गया है। इस आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को हम कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र करते हैं ताकि इसमें फ्यूज़न का प्रोसेस हो सके। तो ये जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट है इसे हमने कहाँ रखा, कल्चर मीडियम पर रखा।
कल्चर मीडियम पर रखा, यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन का प्रोसेस होगा। फ्यूजन मतलब दो प्रोटोप्लास्ट जो है सेल्स वो आपस में जुड़ेंगी, वो फ्यूज होंगी। फ्यूज होने से न्यूक्लियाई भी फ्यूज होगा। न्यूक्लियाई फ्यूज होने के बाद में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो एक डिप्लॉयड फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट की बनेगी। जब क्योंकि हम ये कंप्लीट प्रोसेस इन विट्रो कंडीशन में करवा रहे हैं और यहाँ पर हमने इसका इनोक्यूलेशन कर दिया है, इसको कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये सेल डिवाइड भी करेगी और अपनी ग्रोथ भी करेगी। डिवीजन भी कर रही है, कंटिन्यू ग्रोथ भी कर रही है, तो इसके चारों तरफ पहले वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। वॉल कौन सी, सेल वॉल। देन इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, देन ये कंटिन्यूस डिवीजन करेगी, ये इसका फर्स्ट डिवीजन है, देन ये क्लम्स ऑफ सेल बना लेगी और एक कंप्लीट कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेगी। कंप्लीट कॉलोनी का फॉर्मेशन होने के बाद में एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन जाएगा, जिसे हम कैलस कहते हैं, और ये कैलस जो है इसको अगेन हम साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का परसेंटेज बढ़ा करके राइजोजेनेसिस और कॉलोजेनेसिस की प्रोसेस से निकालते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद में हमारे पास लैब में एक कंप्लीट प्लांटलेट का डेवलपमेंट हो जाता है, और यही प्लांटलेट जो है वो आगे जा करके एक कंप्लीट प्लांट को बनाता है। क्योंकि इस प्रोसेस में हमने देखिए प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन किया, देन माइक्रोप्रोपोगेशन की टेक्निक को फॉलो किया और उसके साथ प्लांटलेट का डेवलपमेंट किया। ये दो तीन मेथड मिक्स हैं, इसके थ्रू हम एक प्लांटलेट का रीजनरेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट, हम आज की क्लास के लिए इतना है, नेक्स्ट टॉपिक को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।